केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। महान दानवीर, शिक्षा प्रेमी व समाज सेवी पंडित नानक चंद द्वारा 1902 में देखा गया सपना आज एक वट वृक्ष के रूप में मेरठ व आसपास के बच्चों को बेहतरीन शिक्षा प्रदान कर रहा है। 2023 में इस विद्यालय को हाईस्कूल की मान्यता मिली और अब यहाँ नानक चंद डिग्री कॉलेज शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। NS इंटर कॉलेज इस वर्ष को शताब्दी वर्ष के रूप में मनाने जा रहा है। 4 नवंबर को बाकायदा शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन किया जा रहा है। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पंकज मित्तल, जबकि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायाधीश नीरज तिवारी विशेष अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इस आशय की जानकारी नानक चंद ट्रस्ट के सचिव अमित शर्मा, पूर्व विधायक राजेंद्र शर्मा, पंकज शर्मा व प्रधानाचार्य आभा शर्मा ने आज मीडिया को दी। देखिए, हमारे कॉलेज को 100 साल हो गए, ट्रस्ट को बने हुए 100 साल से भी ज्यादा समय हो गया और मैं तो अपना दुर्भाग्य मानूंगा, क्योंकि एक दिन मैं हम लोग घूम रहे थे तो एक पत्थर देखा लगा हुआ, तो ऐसे खड़े होके पढ़ने लगे, तो उससे हम सभी लोगों को ज्ञात हुआ कि 100 साल पहले हमें 10वीं की मान्यता मिली थी, उसका वो पत्थर है। तो फिर ये सोचा गया क्यों ना हम 100 साल बनाएं। तो 100 साल निर्णय लिया गया मैनेजमेंट कमेटी ने, DM साहब भी उपस्थित थे, अध्यक्ष हैं हमारे DM साहब। DM साहब की उपस्थिति में सारे मेंबर्स ने निर्णय लिया कि 100 साल कॉलेज के संस्था के, नानक चंद जी की संस्था के बनाए जाएं। ये मेरा सौभाग्य है कि 100 साल पूर्व जब मान्यता ली गई थी तो मेरे फादर इस कॉलेज के सेक्रेटरी थे और उनके ही कार्यकाल में NS इंटर कॉलेज एग्जिस्टेंस में आया, बिल्डिंग उन्होंने ही उनके ही काल में बनाई गई। और आज 100 साल जब हो रहे हैं तो मेरी मैनेजमेंट ने मुझे ये मौका दिया कि मैं सेक्रेटरी के पद पर आसीन हो जाऊं। और सबसे बड़ी बात जो उनकी महानता को प्रदर्शित करती है, 28 साल की एज में जब उनकी मृत्यु हुई उससे पहले उन्होंने विल बनाई और उसमें ये भी लिखा कि इस विल में खाली जब तक मेरी वाइफ जिंदा रहेगी उसे 100 रुपये माहवार दिया जाएगा ट्रस्ट की तरफ से, बाकी अगर कोई मेंबर बनना चाहेगा मेरे परिवार का तो वो भी इलेक्ट होगा जैसे और मेंबर इलेक्ट होते हैं। वो एक काल था जिसमें शिक्षालय थे ही नहीं, पूरा जिला जो गंगा जमुना के बीच में जिला था जिसके आज 4 जिले बन गए, उसमें 6 मिडिल स्कूल थे। उस समय शिक्षा के बारे में सोचना एक बड़ा काम था, तो नानक चंद जी का ध्यान शिक्षा की ओर गया। जो हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, यदि हमें विकास करना आगे बढ़ना शिक्षा जरूरी है। तो उस आदमी का दृष्टिकोण जो था वो एक बड़ा दृष्टिकोण था कि हम स्कूल खोलेंगे तभी तो बच्चे पढ़ेंगे, अब बच्चे पढ़ेंगे तो कुछ बनेंगे। कलेक्टर भी अंग्रेज बनता था, छोटा दरोगा तक भी अंग्रेजी लोग थे। तो सबसे बड़ी बात इसलिए उनका जो महान प्रयास था, हम 100 साल इसलिए भी मना रहे कि नानक चंद जी को भी याद किया जाए, शिक्षा संस्थाओं का क्या महत्व तो इस पर भी प्रकाश डाला जाए। और आज तो स्कूल हर चौथे खेत में स्कूल खुल गए, मगर उस समय बड़े दानवीर शिक्षा से प्रेमी लोग स्कूल खोलते थे। तो नानक चंद जी ने चैरिटी में भी लिखा कि बीमारों को, कैंसर पीड़ित को, उसको जाएगा। और एक विल में ये भी लिखा यदि मेरठ का कोई बहुत लीडिंग आदमी दिवालिया हो जाए तो आप उसे मदद करेंगे मगर उस मदद को घोषित नहीं करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार। वर्तमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्तमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरा।